जानते हैं कि कक्षा में भोजन छिपाने के लिए अलग कोर्स कैसे विकसित किया जाना चाहिए। उससे पहले हम आपको चिप्स, सैंडविच और कैंडीज को छिपाने के लिए नए सुझाव बताएंगे। देखिए और नोट कीजिए। क्या आपकी पेंसिल की नोक बार बार टूट जाती है? चलिए शार्पनर से इसे फिर से नुकीला करते हैं। शार्पनर लें और उसके ऊपर की तरफ कॉर्नफ्लेक्स के टुकड़े रख दें। मैं शार्पनर खोलती हूँ और छीलन के बजाय कुरकुरे गुच्छे पाती हूँ। वाह, मुझे कुछ चबाने को चाहिए था, लेकिन मिस स्मिथ गलत समय पर उनकी पेंसिल को नुकीला करना चाहती है। अब आप छीलन और कॉर्नफ्लेक्स के बीच के अंतर को नहीं बता पाएंगे। इससे पहले कि हमें पता चले, हमारा नाश्ता खत्म हो गया होगा। और खाद्य पुस्तक सजावट के बारे में क्या? मेरे पास काफी है। आइसिंग जाली लीजिए। एक पुस्तक कवर पर मीठी जाली से सजावट करें और उसे खाद्य गोंद से चिपका दें। मजेदार जाली को दूर करना आसान है और जब तक शिक्षक को कुछ गलत नहीं लगता तब तक खाएं। कक्षा के दौरान मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है। वह अपनी नोटबुक के पेज खा रही है। रोटी के ढेर पर एक पुस्तक रखें और पेज काट लें। स्प्रिंग को खोलें और नोटबुक से अलग कर लें। रोटी का एक पन्ना कवर पर रखें और स्प्रिंग का निशान बनाएं। छेद करने के लिए पंच का उपयोग करें। स्प्रिंग के ऊपर मुख्य पन्ना लगाएं और फिर रोटी के पन्नों को जोड़ें। अंत में पीछे का पन्ना लगाएं और नोटबुक की स्प्रिंग को जोड़ दें। मैं नोटबुक की जांच कर रही हूँ। इसमें रोटी के पन्ने हैं। मैं एक लेना चाहूँगी। रोटी के पन्नों को नरम करने के लिए मेरी दोस्त कुछ गोंद लगाना चाहती है। ये तो अधिक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन उसने अपनी रोटी पर गोंद को लगाया और इसकी खुशबू सफेद चीज की तरह आ रही है। चीज सॉस को साफ और धुले हुए गोंद की बोतल में डालें। चीज के गोंद को मेरी रोटी पर लगाना चाहती थी। स्वादिष्ट है। मिस स्मिथ ने जब ये कुरकुरी आवाज सुनी तो वे दौड़ती हुई आती हैं। छात्रों को गोंद खाते हुए देखती हैं तो लगभग उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। शांत हो जाइए, यह सिर्फ सॉस है। अध्यापक हमारे भोजन को ले जाती है, हमारे लिए बस एक स्मृति बन जाती है। अच्छी बात यह है कि मिस स्मिथ के पास कुछ चबाने को है। शायद इस तरह उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि हम धोखा दे रहे हैं। आपको क्रेयॉन्स के बॉक्स में चकित कर देने वाली चीज मिल सकती है। उदाहरण के लिए एक सैंडविच, सॉसेज और चीज सैंडविच बनाएं। क्रेयॉन्स को पैकेट से बाहर निकाल लें। पैक की बराबर का सैंडविच काट लें। इसे अंदर रख दें और बॉक्स को बंद कर दें। मैं अपना सैंडविच निकालती हूँ। यह मुझे कक्षा में बने रहने में मदद करेगा। मेरी दोस्त भी खाना चाहती है। बिल्कुल नहीं, मिस स्मिथ को पता चल जाएगा। शिक्षक पुस्तिकाओं को निकालते हैं। बहुत बढ़िया, मैं एक पुस्तक को विशेष पुस्तक के साथ बदलती हूँ जिसमें प्लास्टिक का एक कवच है। एक प्लास्टिक कवच पर नोटबुक के आकार का निशान करें। कैंची का उपयोग करते हुए एक तरफ से काट लें। हम खुलने की जगह चिप्स को रख देंगे। मोमबत्ती से चाकू को गर्म करके बाकी का हिस्सा काट लें। गर्म चाकू प्लास्टिक को जोड़ देगा। पुस्तक को प्लास्टिक के कवच में रखें और सुपर ग्लू से अच्छे से चिपकाएं। समतल चिप्स को अंदर रखें। मेरे गोपनीय प्लास्टिक कवच में कोई गुप्त जानकारी शामिल नहीं है। दूसरी ओर इसमें स्वादिष्ट और खस्ता चिप्स शामिल है। मेरे दोस्त के लिए इसमें पुस्तक मिली है। मैं उसके साथ मेरी चिप्स साझा करूंगी और जब मिस स्मिथ देख रही होगी हम लिखने में व्यस्त होने का ढोंग करेंगे। अंकशास्त्र मूल रूप से अनुशासन है। ठीक से काम करने के लिए आपको मस्तिष्क की जरूरत होती है। यही कारण है हमने चॉकलेट की एक टिकिया को चुरा लिया है जो कि एक कैलकुलेटर की तरह दिख रहा है। एक चौकोर बनाने के लिए दूध चॉकलेट की टिकिया को काटें। फ्रूटेला चिपचिपी कैंडीज खोलें और उन्हें कंटेनर में डाल दें। इसे 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें। पिघली हुई कैंडीज एक लचीला समूह है। इसे समकोण बटन और कैलकुलेटर स्क्रीन का आकार दें। क्योंकि पदार्थ अभी भी गर्म है, यह चॉकलेट पर आसानी से चिपक जाता है। खाद्य मार्कर के साथ बटन पर चिन्ह बनाएं और अब मैं इसे धीरे धीरे चबाऊंगी।
कौन जानता है, शायद कैलकुलेटर खाने के बाद हम दिमाग में तेजी से गणना कर सकें। मैं अब भी कैलकुलेटर खा रही हूँ जब मेरी पड़ोसी अपनी पुस्तक से जेली स्टिकर निकाल रही है। जेली पट्टियों को स्टिकर के आकार बराबर काटें। खाद्य गोंद का उपयोग करके पैड से जोड़ें। किनारों को छांटें और नोटबुक में स्टिकर छुपाएं। हम स्टिकर चुपके से खा रहे हैं जबकि मिस स्मिथ मधुमक्खी की तरह चली आती है। वह हमसे प्रश्न करना शुरू कर देती है, सभी स्टिकर खा जाती है। वह हमारा चॉकलेट कैलकुलेटर भी खा जाती है। क्या वह केवल अपने छात्रों से कैंडीज लेने के लिए ही शिक्षक बनी है? मेरे दोस्त के पास कुछ एक्सेसरीज है, लगता है यह गिलहरी द्वारा बनाया गया है। एक मोटी सेफ्टी पिन का उपयोग कर खुली हुई अखरोट में छिद्र करें। दो गुना धागे के साथ एक सुई पिरोएं और गांठ बांधें। और उसमें अखरोट पिरोएं। कंगन के छोर को जोड़ें और उसे गांठ के साथ बांधें। मेरी दोस्त कक्षा में कंगन के टुकड़े चबा रही है। सावधानी रखें, कहीं आपके दांत न टूट जाएं। अरे नहीं, वैसे यह आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकता है। फिर कूल वर्दी का हिस्सा होना चाहिए। मेरी रोएदार हरी चर्बी का गुच्छा सिर्फ एक्सेसरीज नहीं है, यह कैंडी छिपाने की छोटी जगह है। रोएदार कपड़े के टुकड़े पर तीन बार कप से सर्कल बनाएं। दो सर्कल पर रेखा खींचे, इसे मध्य से थोड़ा कम करें। दोनों सर्कल के बीच से और तीसरे सर्कल को पूरा काटें। आधे सर्कल को रोएदार डिस्क पर गलत साइड से सिलाई करें। ऊपर की तरफ एक परस्पर अर्ध सर्कल लगाएं। एक धातु की अंगूठी अंदर रखें और कपड़े पर सिलाई करें। कपड़े को सीधे करते हुए बाहर निकालें। लगता है ना कि एक सामान्य रोएदार पॉम-पॉम है। कैंडीज को अंदर रखें। चाबी का गुच्छा अंगूठी से जोड़ें। मैं अपने रोएदार की चेन से कैंडीज बाहर निकाल रही हूँ और एक अपने दोस्त को दे रही हूँ। कोई भी कभी भी संदेह नहीं कर पाएगा कि मिठाई की तस्करी हो रही है। मेरे दोस्त ने अपनी कलम तोड़ दी, उसे सुपर ग्लू की तुरंत आवश्यकता है। हमें तीन अलग अलग रंगों की शक्कर की पेस्ट की आवश्यकता होगी। सिलेंडर आकार बनाने के लिए पीले पेस्ट को रोल करें, एक छोर दबाएं, चाकू से साफ कर लें। सफेद शक्कर की पेस्ट से छोटा सिलेंडर बनाएं। यह ट्यूब का एक शीर्ष होगा। कोण में काली शक्कर की पेस्ट को आकार दें, यह एक टोपी होगी। गीली ब्रश के साथ शक्कर की पेस्ट कम करें और विवरण में शामिल हो। काले रंग का उपयोग करते हुए ट्यूब पर गोंद से नाम लिखें। मेरा सुपर ग्लू और कुछ भी नहीं चिपका सकता। अच्छी बात तो यह है कि मैं कक्षा के दौरान इसे चबा सकती हूँ। मुझे तत्काल पेंसिल को मिटाने की आवश्यकता है। मैं एक रबड़ लेती हूँ लेकिन मेरी दोस्त इसे तुरंत वापस ले जाती है। मैंने यह भी नहीं देखा कि उसमें कैंडी रखी हुई थी। यांत्रिक रबड़ से एक रबड़ की छड़ी निकालें और एक लिकोरिस कैंडी छड़ी रखें। अतिरिक्त को काट दें। मेरी दोस्त ने रबड़ को अपने मुंह में डाल दिया और लिकोरिस छड़ी को चबाती है और कक्षा कुछ अधिक रुचिकर बन गई है। मेरी स्टेपल कागज को नहीं जकड़ रही है, यह कैंडीज को अंदर इकट्ठा करती है। स्टेपलर खोलें और टिक टैक टकसालों को एक दांतेदार स्प्रिंग में डाल दें। मैं अपने स्टेपलर के साथ एक टिक टैक लेती हूँ। यह धातु के स्टेपलर से निश्चित रूप से अधिक स्वादिष्ट है। और मिस स्मिथ हमें भी धोखा दे रही है, उन्होंने कुकीज की जगह ड्राइंग पिन से बदल दी है। अंगूठे को एक बॉक्स से बाहर ले जाएं और छोटी कुकीज के अंदर डाल दें। शिक्षक हमारे सभी भोजन को क्यों ले जाते हैं, लेकिन वह कक्षा में स्वयं सब खा जाती है। स्कूल का जीवन भी कितना अन्यायपूर्ण है। मार्कर के साथ मेरी पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण नोट्स को उजागर करती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त इसमें से एक बबल गम ले लेती है। मार्कर के शीर्ष भाग को काट लें। एक समकोण बबल गम पैकेज को गर्म गोंद से चिपकाएं। एक मार्कर लेबल प्रिंट करें और उसे पैकेज में चिपकाएं और टोपी पर डाल दें।
मैं मार्कर से हब्बा बुब्बा बाहर लेती हूँ, सिवाय इसके कि कक्षा में गम चबाने की अनुमति नहीं है। मिस स्मिथ हमें कमरे से बाहर भी निकाल सकती है। क्या आप कक्षा में खाना छिपाने के अजीबोगरीब तरीके को पसंद करते हैं? टिप्पणियों में लिखें कि आप कैंडीज को अपने शिक्षकों की तीखी नजरों से कैसे छुपाना चाहते हैं, और अपना थम्स अप देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल क्लिक करें। ट्रिंगे लिंक का मतलब है कि ट्रुम ट्रुम की प्रशिक्षण कक्षा शुरू हो रही है।